الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسند احمد اور ابن ماجہ کی یہ روایت آپ کی خدمت میں گزشتہ دو جمعوں سے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے مختصر نصیحت فرمائی. چنانچہ اس آنے والے کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں فرمائی، بہت جامع اور کار آمد. پہلی نصیحت، جس کا بیان تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے، کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو رخصت کرنے والے کی طرح نماز پڑھیں. مختصر یہ کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، تو جس توجہ اور کیفیت کے ساتھ اس وقت آدمی اپنی نماز کو پڑھے گا، اسی طرح ہر نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. اس سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں. دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات مت کرو کہ کل کے دن تمہیں اپنی کہی ہوئی بات پر معذرت اور معافی مانگنے کی نوبت آئے. اپنی زبان سے ایسا جملہ، ایسا کلمہ، ایسی بات مت نکالو
कि कल तुम्हें अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदगी होकर उससे माजरत करने की जरूरत पेश आए। ये बहुत अहम नसीहत है हर इंसान के लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, पूरी उम्मत के लिए। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जबान को काबू में रखने और उसे कंट्रोल में रखने की नसीहत और वसीयत कर रहे हैं कि अपनी जबान को लगाम दो, बिना हड्डी के गोश्त का टुकड़ा है, जैसे चाहो उलट पलट करके बोल दो। ऐसा नहीं, अपनी जबान को काबू में रखो। हजरत मुआज़ इबन जबल रदी अल्लाहु अन्हु की एक बड़ी लंबी मशहूर रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुख्सत करते वक्त ये फरमाया कि ऐ मुआज़, अपनी जबान को लाजिम पकड़ो, हत्ता के हदीस की किताबों में आता है कि हुजूर ने अपनी जुबान मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि इसको लाजिम पकड़ो। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आदमी अपनी जबान से जो बात करता है क्या उस पर भी पकड़ होगी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम क्या समझ रहे हो, लोगों को जहन्नम में औंधे मुंह जो डाला जाएगा उसके असबाब क्या होंगे? फरमाया कि वो इसी बुनियाद पर जहन्नम में औंधे मुंह डाले जाएंगे कि उनकी जुबानें काबू में नहीं थी, उनकी जुबान का गलत इस्तेमाल उन्हें जहन्नम में औंधे मुंह डालने पर मजबूर कर देगा। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो इंसान के जिस्म के सारे पार्ट्स, सारे आज़ा जबान को देखकर कहते हैं कि ऐ जबान, अगर तू ठीक रही तो हम ठीक रहेंगे, और अगर तू बिगड़ गई, खराब हो गई, तो हमारा पूरा नुकसान हो जाए। जबान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमासी बात मत करो कि कल तुम्हें उस बात से माफी तलाफी करने की जरूरत पेश आए, इससे पहले तुम सोच कर, गौर करके अपनी जबान से ऐसी बात निकालो जो तुम्हें दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी तुम्हारी नजात का जरिया बने। बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम हक बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, ये कहकर अनाप शनाप अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं, ना बड़ों का एहतराम उनके सामने मलहूज है जी, ना उलमा की शान की कोई उन्हें कदर है, ना अपने माँ बाप का एहतराम है। हर पहलू से हम देखेंगे कि अपने बड़ों के साथ बदतमीजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जो दुनियावी एतबार से भी उनके लिए नुकसान देह है और उखरवी एतबार से तो बहुत बड़ा खसारा है। जुबान का इस्तेमाल बहुत मोहतात अंदाज से करना है, खास तौर पर मस्तूरात के अंदर जो बिगाड़ आता है, घरों के अंदर औरतों में जो दिराड़े पैदा होती हैं, जो परेशानियां पैदा होती हैं, वो यही जबान की वजह से कि उनकी जुबान उनके कंट्रोल और काबू में नहीं, तो जिसकी वजह से कभी सास से उलझ रही हैं, कभी घर के अंदर रहने वाली दीगर मस्तूरात से उलझ रही हैं,
कभी खुद शौहर से उलझ रही हैं और पूरा घर का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। जबान आदमी अगर खामोशी इख्तियार कर ले, एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, सुनो जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, पल यकुल खैरन, तो चाहिए कि वो या तो भली बात करे, अच्छी बात बोले, खैर की बात बोले, औल यस्मुत, वरना खामोश रहे। अगर खैर की बात नहीं कर सकता है, उसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए आफियत इसी में है कि अपनी जबान को खामोशी के साथ लगाम लगा दे। खामोशी बहुत बड़ी जीत है, खामोशी बहुत बड़ी खैर की अलामत। अभी एक महीना पहले नायब अमीरुल हिंद मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम तशरीफ लाए थे। एक अहम मीटिंग मेल विशारम में थी इमारत शरिया से मुतालिक, तो उसमें हजरत ने एक वाकया सुनाया। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाही अलैह के हवाले से उन्होंने फरमाया कि एक औरत किसी हजरत के पास आई और कहने लगी कि मैं अपने शौहर को अपने काबू में रखना चाहती हूँ, अपने कंट्रोल में रखना चाहती हूँ। तो हजरत ने मिजाहन ये भी फरमाया कि औरतों को यही होता है कि वो आमिलों पर उनका भरोसा होता है, खुदा पर उतना उनका भरोसा नहीं होता है जितना भरोसा आमिलों के वजीफों से और उनकी तावीज़ात से और उनके जो है जो काम करने के लिए बताए जाते हैं उन पर औरतों का बड़ा एतिमाद होता है, भरोसा होता है। दूसरे कुरान और हदीस की रोशनी में अगर उनको बातें बताई जाएं तो उनके दिमाग में नहीं आती है वो बातें जी। तो हजरत ने बताया कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने शौहर से जी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी करना चाहती हूँ, लेकिन घर में जो ही शौहर आते हैं तो लड़ाई होती है, बात बात पर बहस होती है, झगड़ा होता है, तो हजरत पहचान गए और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी तावीज़ दूंगा कि अगर तुम उस तावीज़ का इस्तेमाल कर लोगी तो चंद दिनों में तुम्हारा शौहर तुम्हारा हो जाएगा जी। फिर उसके बाद हजरत ने पता नहीं उसमें कुछ लिखा भी या नहीं भी, एक तावीज़ की शक्ल एक चिट्ठी सी छोटी सी चिट्ठी जो है लिखकर उस औरत के हवाले किया, कहा कि तुम जब घर में रहो और तुम्हारा शौहर जब घर के अंदर आए तो इस तावीज़ को तुम अपनी ज़ुबान में रख लेना, मुंह में रख लेना। चुनांचे वो ले गई, अब घर गई, जब शौहर अंदर आए तो फौरन उसने मुंह में तावीज़ रख ली। अब रख लेने के बाद आदमी अगर कोई मुंह में कोई चीज़ रखता है तो आप बात कैसे करेगा। अब शौहर आ रहा है, देख रहा है कि भाई क्या बात है, रोज़ाना के मामूल के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है। जो ही घर में दाखिल होता हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, उठक पटक होते रहती है, सामान इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन आज बेगम साहिबा खामोश क्यों बैठी है, कुछ बोलती क्यों नहीं है। तो अब थोड़ी देर गुजरी, इसके बावजूद भी बोल नहीं रही है। अब शौहर को बेचैनी शुरू हो गई, शौहर बीवी के करीब पहुंचे, सर पे हाथ रखा, गले पे हाथ रखा, कहा तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, खैर खैरियत पूछने लगे। अब वो बेचारी जब तक शौहर घर में रहा बिल्कुल बोलती ही नहीं। फिर दूसरे दिन चले गए, ऐसा ही दो चार दिन हुआ तो अब शौहर को उस पर रहम आ गया कि भाई क्या बात है, कुछ बोलती नहीं है।
तो अब उसकी सारी ज़रूरतें बोले बगैर ही पूरी हो रही हैं। अब औरत को बड़ा यकीन आ गया कि भाई ये तावीज़ बहुत काम कर गया। हालांकि असल राज ये है कि औरत ना बोले तो सब खैर है, सारी उसकी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी, लेकिन बोल बोल कर वो अपना नुकसान कर लेती है। बहरहाल तफसील में जाना नहीं है, जुबान पर आदमी जब कंट्रोल करता है, लगाम देता है, तो फिर हालात बनते हैं, सवरते हैं, हत्ता के बिगड़े हुए हालात भी दुरुस्त हो जाते हैं। और आदमी अगर जबान पर लगाम ना दे, अनाप शनाप बकने लगे, बड़ों का एहतराम ना करें, छोटों के साथ शफकत से ना पेश आए, जी जबान है जैसे चाहे वैसे अपने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर वो दुनिया में भी जलील और खार हो जाएगा और आखिरत में तो बहुत बड़े वबाल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वला तकल्लम बिकलामिन, ऐसी बात मत करो तातज़िरु मिन्हु गदन, के कल के दिन तुम्हें माजरत करनी पड़े। हजरत मुहद्दिसीन ने इसका दो मतलब बयान फरमाया। एक मतलब ये बयान फरमाया, गदन का माना है कल, कल से मुराद आज किसी ने कहा और कल के दिन किसी के सामने शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगनी पड़े, उसके पास माजरत करनी पड़े। एक मतलब तो ये है, दुनिया ही में कल के दिन से कल का दिन मुराद है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने दूसरा मतलब, ये मुहद्दिसीन ने ये मतलब बयान किया, गदन से मुराद क़यामत का दिन, कि तुम दुनिया के अंदर आज कुछ भी बक दो, कुछ भी बोल दो, अनाप शनाप इधर उधर गलत सलत बोल दो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम उज़र पेश करने लगो, लेकिन तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं होगा, तुम्हारा उज़र मकबूल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए उस ज़बान के गलत इस्तेमाल करने की बुनियाद पर तुम्हें सज़ा दी जाएगी। जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, कि तुम्हारी ज़ुबानों की तराशी हुई बातों की बुनियाद पर, तुम्हारी ज़ुबान से निकली हुई बातों की बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम में औंधा मुँह डाला जाए। बहुत डरने की बात है कि हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी आखिरी नसीहत अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाई, व अजमिउ इयास मिम्मा फी अयदिन नास, लोगों के पास जो माल दौलत सामान तायुश ऐश व इशरत की चीज़ें हैं, उनसे अपनी नज़र को हटा लो, उनसे अपना ताल्लुक दूर कर लो। यानी मतलब ये है कि आदमी अल्लाह पर भरोसा करे, लोगों की चीज़ों पर भरोसा ना करे। आदमी अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करे, लोगों से उम्मीद न लगाएं कि भाई फलां है मेरा काम बना देंगे, फलां है मेरी इनसे ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ये फलां है ये मेरे तकाजे पूरे कर देंगे। नहीं, लोगों से अपनी उम्मीद वाबस्ता मत रखो, बल्कि अल्लाह से अपना ताल्लुक, अल्लाह से अपनी उम्मीद लगा कर रखो। उसके लिए एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से वानियमबाड़ी बस के ज़रिए से जाना चाहते हैं, तो हम अपने जेब में पैकेट में देखते हैं 150 जितने आने जाने के लिए ख़र्चे की ज़रूरत है, तो हम देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं चला जाऊँगा। फरमाया कि ये ऐसी उम्मीद और ऐसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि सब है लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए आदमी ऐसा नहीं है कि भाई जेब में कुछ भी नहीं है और फिर ये उम्मीद लगा कर बैठा कि भाई मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मैं यहाँ से वानियमबाड़ी पहुँच जाऊँगा, फलां जगह चला जाऊँगा। तवक्कुल के ये भी खिलाफ है,
यानी आदमी सबब को भी इख्तियार कर रहा है लेकिन उसका असल भरोसा असल उम्मीद अल्लाह से, कभी ये तो है लेकिन इसके इससे बढ़कर अल्लाह की ज़ात है जो मुझे वहाँ तक पहुँचाए। तो इसी तरह आदमी मुलाजमत करता है, महीने भर काम किया, अब उसकी तनख्वाह मिलेगी तो अब वो अपनी तनख्वाह को असल बुनियाद ना बनाए कि भाई ये मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं ये फलां फलां काम कर लूँगा। नहीं, ऐसा बहुत मुमकिन है कि तनख्वाह मिले और फिर भी आदमी की ज़रूरत पूरी ना हो, इसलिए अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। वह अजमिल इयासा मिम्मा फी अयदिन नास, लोगों के हाथों में जो चीज़ें हैं उनको देखकर आदमी लालची ना बने, उनको देखकर आदमी हरीस ना हो, बल्कि अल्लाह की ज़ात से अपनी अपना ताल्लुक कायम करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद बांधें, तो फिर अल्लाह ताला बंद दरवाजे भी खोल देते हैं और उसके लिए अपनी तरफ से आसानियां पैदा फरमा देते हैं। ये तीसरी नसीहत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाई। पहली नसीहत ये कि आदमी अपनी नमाज ऐसी पढ़े जैसे रुखसत करने वाला अपनी आखिरी नमाज पढ़ता है, और दूसरी नसीहत ये फरमाई कि भाई तुम अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल में लाओ, अनाप शनाप बोलकर कल के दिन माफ़ी और माजरत मांगने की नौबत ना आए, और तीसरी नसीहत लोगों के हाथों में जो माल दौलत असबाब की चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल नज़र ना हो, उससे उम्मीद ना लगाएं, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद वाबस्ता हो जाए। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। एक पैगाम के तौर पर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ है कि अभी आज जुमा है, कल सनीचर हफ्ते का दिन है, फिर इतवार को जो है पूरी दुनिया के अंदर एक खुशी का दिन शुमार किया जाता है, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से खुशी मनाई जाती है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इस सिलसिले में बस इतनी बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है। क्या यही काम रह गया है कि हम इन न्यू ईयर हो या और भी जो भी दुनियावी एतबार से उनके हैप्पी और ख़ुशी के अयाम हैं उसको मनाकर अपना वक्त गुजारें। अल्लाह ने हमें एक अजीम मकसद के लिए दुनिया में भेजा है और वो मकसद है अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी। बाकी जितनी चीज़ें हैं ये सब अल्लाह की बंदगी के लिए ये असबाब और मदद के तौर पर चीज़ें हैं। इसके पीछे आदमी पूरे तौर पर लग जाए ये आदमी की तख्लीक के मकसद के ख़िलाफ़ है। आदमी दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि भाई वो इन त्योहारों में अपनी खुशी का इजहार करें, और इस्लाम तो बिल्कुल इसकी इजाज़त भी नहीं देता। गैरों के यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, इसलिए वो दुनिया में सारे काम करते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, इस्लाम की दौलत दी है, ईमान की दौलत दी है, क़ुरान दिया है, और हम सब के आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीजीन हमें नबी उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। इतनी अजीम सआदतें हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और उसमें ईमान वाला बनाया, तो हमारी एक बहुत बड़ी अजीम मर्तबत है, मंजिलत है, हम एक ऊंची शान वाले हैं। तो हमारा बिल्कुल ऐसा कोई अमल नहीं होना चाहिए जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़। आम तौर पर जो बड़ी उम्र के हैं, 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको तो इन चीज़ों में दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, कोई कारोबार करने वाले हैं, कोई मुलाज़मत करने वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनको जो है वो असबाब के दर्जे में उनको मेहनत करनी पड़ती है,
तो इसलिए जो 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इससे कम उम्र वाले जितने भी हैं, ख़ास तौर पर बिलखसूस स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, चाहे वो मर्द हों चाहे वो लड़कियां हों, इनका इसमें क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनके ज़िम्मे कोई कमाने का कोई मसला नहीं, कोई फिक्र नहीं, इसलिए अब शैतान पूरे तौर पर उन्हीं को टारगेट करके इन लगवियात वाहियात और तबाही चीज़ों में मुब्तला करता है। इसलिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा जो भी कम उम्र के हैं, ये लोग अपनी पैदाइश का दिन बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। एक वीडियो देखकर इतना अफसोस हुआ, आम्बूर शहर के नौजवान शहर में अगर ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लोग डांटेंगे, माँ बाप गाली देंगे, रिश्तेदार आवाज़ करेंगे। जी यहाँ हमारे शहर में एक तंजीम है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, तो इसके ख़िलाफ़ होगा फलां फलां। इस खौफ व खशियत से आसपास के गांव शहरों में जाकर, शहर से हटकर आसपास के गांव शहर में जाकर कोई शादी खाना कोई फंक्शन हॉल बुक करके इतना धूमधाम बैंड बाजे म्यूज़िक सॉन्ग सारी चीज़ें, शैतान भी शर्मा जाएगा, इबलीस को भी शर्मा जाएगी। मुसलमान हमारे लोग कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, और एक वीडियो देखकर इतना अफसोस हुआ कि उस एक कार के अंदर सिर्फ तन्हा एक हमारी कुंवारी मुसलमान बहन है और बाकी सब मर्द हजरात हैं, और उस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर पैसों की बारिश हो रही है और उस लड़की को भी घुमाकर वैसे ही डांस कराया जा रहा है। ये सब हो रहा है, शहर में होगा तो लोग पकड़ेंगे, सवाल करेंगे, इसलिए शहर से बाहर जाकर ये सारे खुराफात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे शहर की एक तारीख है, हमारे शहर में हमारे बड़ों ने इसका जो ढांचा और सांचा जो बनाया है वो दूसरे शहरों के लिए मिसाल है। नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि इस मिसाल को मिटने ना दो, इस पर धब्बा आने मत दीजिए। हमारे बड़ों की मेहनत, हमारे जितने बड़े शहर के गुजरे हैं, चाहे वो उलमा हों चाहे वो सरमायादार हों कोई भी हों, उनका अपनी ज़िंदगी में वो बड़े बड़े माली एतबार से पोजीशन में थे, तालीमी एतबार से बड़े बड़े पोजीशन में थे, कारोबार एतबार से बड़े बड़े मकाम में थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा ऐश नहीं किया, कभी उन्होंने अपने शहर के वक़ार को ठेस नहीं पहुंचाया, कभी उनकी औलाद ने ऐसे घिनौनी हरकत नहीं की। आज के नौजवान अपने कुछ पैसों के बलबोते पर और जहालत की बलबोते पर और दुश्मनान इस्लाम के नरगे में आकर और शैतानी धोखे में आकर अपने आप को भी जक पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसके ज़िम्न में शहर का भी बड़ा नाम ख़राब हो रहा है। क्या क्या तरीके हो रहे हैं कि हमारे शहर में एक ज़माना पहले होता होगा, लेकिन अब देखिए कितना कोई दुल्हा नौशा घोड़े में आया है, अब घोड़े में भी आने लगे आम्बूर के अंदर, सुभान अल्लाह, नौशा घोड़े में भी आ रहा है, फंक्शन हॉल तक घोड़े में जा रहा है, लोग पीछे जा रहे हैं, उसकी भी वीडियो बन रही और वायरल भी किया जा रहा है। क्या क्या तमाशा दिखाएंगे नौजवान मेरे दोस्तों, बड़ों की भी हम अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं, जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटों की निगरानी करें, और नौजवानों से हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि अपने वक़ार को बाकी रखें। हम वो कौम नहीं है जो नंगा नाचने वाले हों, हम वो कौम नहीं है जो अपनी तहजीब का पामाल कर जाएं, हम तो सर बुलंद रहने वाली कौम हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि भाई तुम अगर ईमान कामिल अपने अंदर रखते हो तो तुम ही सर बुलंद रहोगे, वअंतुमुल आलौन, तुम्हारा ही सर ऊंचा रहेगा। हम तो ऐसी कौम हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ऐसी
हरकतें कर रहे हैं कि उसकी नतीजे में हमारा सर ऊंचा होने के बजाय अल्लाह ना करे कहीं नीचा ना हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैंने इससे पहले भी कहा कि मस्जिदों में फजर की नमाज में वही 40 साल के ऊपर वाले लोग ही आते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों के लिए क्या नमाज माफ़ है? वो कहाँ जाते हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? हर जगह देखिए बड़ी उम्र के लोग ही हैं। आखिर ये बड़ी उम्र के लोग बचपन में नमाजी थे, इसलिए बचपन में नमाजी बने हुए हैं। हम ये ना सोचे, किसी के जहन में ये बात आ जाए कि अब जैसे 40 साल के ऊपर वाले नमाजों को आते हैं, अब ये नौजवान नस्ल वो भी जब 40 साल के हो जाएंगे तो तब वो नमाज को आएंगे। ये ख्याल है, जुनून है, दीवानगी है। बचपन की आदत बचपन तक चलती है, इसलिए ये जो बड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, 40 साल की उम्र वाले जो नमाजों का अहतमाम करते हैं, इनके बचपन की मेहनत का नतीजा है जो इस उम्र में ये नमाजों का अहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आज की नौजवान नस्ल, वो अगर अपने बचपन में नमाजों का अहतमाम, जवानी में नमाजों का अहतमाम करेंगे, तो फिर वो भी अपनी उम्र को पहुँचने के बाद नमाजी बनकर रहेंगे, वरना अल्लाह माफ फरमाए, पता नहीं कौन किस हालत में रहेगा। बहरहाल आखिरी पैगाम यही है कि हम इस हैप्पी न्यू ईयर को, जी हमारे लिए कोई हैप्पी नहीं है, बल्कि हम गौर अगर करेंगे तो हमको एहसास होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक साल घट गया। अगर किसी के 40 साल हैं तो एक साल पूरा हो गया तो उसकी ज़िंदगी के एक साल घट गया, तो इस पर तो अफसोस करना है, इस पर तो गौर करना है कि मेरी एक साल की मुद्दत खत्म हो गई। बजाय गौर करने के, बजाय फिक्र करने के, इस पर खुशी अगर मनाया जा रहा है तो फिर ये ना अकली और कम समझी नहीं तो और क्या हो सकती है। इसलिए ये व्हाट्सएप हो या जितने भी सोशल मीडिया जराए अबलाग हैं, जी इनमें ये एक दूसरे को विश करना और उसकी जो है सेल्फियों लेकर उसे शेयर करना, ये सब इस्लाम और मुसलमानों का काम नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम के अंदर मुसलमान की खूबी ये है, इस्लाम के अंदर मुसलमान की खूबी ये है कि वो ला यानी बेकार कामों को छोड़ देता है, यही उसकी खूबी है, बेकार कामों में लगता नहीं है। और हमारे नौजवान इसी बेकार काम में अपना वक्त कीमती ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।